पे सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 और सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे सर, आवाज़ आ रही है क्या? जैसे आपका आवाज़ का कमेंट ओके आता है, मैं कमेंट स्क्रीन बंद करके मेरी जो बात कहना है वो पूरी बात कहने रख दूंगा मैं। नमस्ते नमस्ते महिमा बाबा जी, राम राम किशोर पटेल साहेब, अश्विन अश्विन जेहना जी, ओके यस, जय कल्की पटवार, राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पी बी जी, जय श्री कृष्णा, मेघना मंदिर के गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुपल जी, सब फाइनल ब्लास्ट, भाव्या जोशी जी होगा, टेंशन नमस्कार, माधुरी जी नमस्कार, प्रणाम। आवाज आ रही है? रियाज अहमद जी गुड मॉर्निंग, राम राम, लव यू जी लव यू, सुनील जी, यस आवाज आ रही है, धन्यवाद सब लोग के। मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2020 में मैंने कहा था कि एक 7 डेज ब्लैकआउट होगा, इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट वर्ल्ड वाइड, तो उसके बाद में आपको हमारे साथ या फिर आपको जो भी अपग्रेड मिलेंगी वो पुरानी रेडियोस, पुराना टीवी या फिर आपको कांटेक्ट जो है वो लैंडलाइन जो है पुराने BSNL के उनके ज़रिए या फिर जो सैटेलाइट फ़ोन है उसके ज़रिए अपडेट आएंगे। और जिनके पास भी अब अपने अपने जो भी दोस्त हैं पहचान हैं उनके लैंडलाइन फ़ोन नंबर जो है वो आप लेके रखिए, उनके आजू बाजू में किसी के पास लैंडलाइन नंबर फ़ोन होगा वो लेके रखिए। जब ब्लैकआउट हो जाएगा तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मरियाना ट्रेन से कनेक्टेड रखी हुई है, वो एक्टिव हो जाएगी तब ब्लैकआउट में, और आपको जो भी न्यूज़ आएगी वो उस पुराने रेडियोस पे, पुराने टीवीज़ पे आएगी, और वो आपके अपने अपने परिजनों में, अपने अपने दोस्तों में वो अपग्रेड, वो न्यूज़ देने के लिए उस लैंडलाइन फ़ोन का आप संपर्क कीजिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कहा है कि दुनिया का GDP जो है, जो मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि जो 86 ट्रिलियन डॉलर का था और वो फर्स्ट LC में जो था वो 46 ट्रिलियन डॉलर पे आया, और सेकंड LC में जो है वो 32 ट्रिलियन डॉलर पे आया, अब वो 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा है दुनिया का GDP जो है वो हार्डली 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अगले 2023 तक जाएगा। भारत का जो GDP 9 था वो इस साल लुढ़कते 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 6.5 तक आया है, अगले साल वो 4 पे भी नहीं रहेगा, और रिसेशन में नौकरियां जाने वाली है। जब इस साल के एंड तक 2 लाख लोगों की नौकरियां यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन लोगों को निकालने वाला है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनके अगले साल और लोगों को निकालने वाला है, प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो जॉब रखने वाले नहीं है, सभी की नौकरियां जाने वाली है। मैंने 2020 में समझाया था, तब लोगों को यकीन नहीं आ रहा, तो अब देखो कैसे जाने वाली कैसे होगी, सबको दिखेगा रिसेशन में आने वाले हैं। इन्फ्लेशन एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है, कभी आपने देखा नहीं, तभी समझाया था आपको, आपने देखा नहीं है, दिसंबर आते आते आप देखोगे एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई स्टैंड नहीं लेगी, कोई जवाब नहीं देगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पैदल निकलने से और कन्याकुमारी से पैदल निकलने से जम्मू कश्मीर जाने तक महंगाई घटने वाली है। कलकत्ता में दंगे चल गए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात ही नहीं कर रहा है, ये सब कुछ जो अकेला डॉक्टर मिला जगड़ा चिल्ला चिल्ला के बता रहा है गए फरवरी से कि महंगाई आने वाली है, महंगाई आने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, भुखमरी आने वाली है, फूड क्राइसिस आने वाला है। 30 मई को जब मैंने कहा कि भारत का पूरा गोडाउन खाली हो चुका है और पूरा मोदी साहब ने सारे गोडाउन खाली कर चुके हैं, पूरे मिडल ईस्ट को और यूरोप को पूरा अनाज बांट दिया है, आज कुछ नहीं बचा है,
बहुत बारिश आने वाली है, अभी भी आपने बारिश देखी नहीं है, आज से, मैंने कहा 8 तारीख के बाद में, 11 तारीख से तो आपको एक्सट्रीम दिखेगा दोनों साइक्लोन जो घुस जाएंगे भारत में, तो आज से आपको एक्सट्रीम और बरसात दिखने को मिलेगी। मीडिया आपको बताएगा नहीं, क्योंकि मीडिया बताएगा तो आप जाके सरकार से ओले दुष्काल की मांग करोगे, सरकार का गोडाउन खाली हो जाएगा, तो इसलिए मीडिया आपको बताएगा कि नहीं और बरसात आने वाली है। मीडिया आपकी किसानों की हालत भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप सरकार से डिमांड करोगे कि ओला दुष्काल डिक्लेयर करो। सोचो भारत पूरे 22 स्टेट्स में हेवी बरसात चल रही है, बाढ़ आई हुई है, और भारत का पंत प्रधान कहा है गुजरात में इलेक्शन की प्रचार कर रहा है। दिल्ली पूरी पानी में डूबी हुई है 5 दिन से, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहा है गुजरात में प्रचार कर रहा है, और आप लोगों को लगता है ये भारत को चलाएंगे। दिवाली 25 तारीख 26 तारीख, दिवाली की 25 तारीख 26 तारीख को ये लोग 101% इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान शुरू करेंगे, और महंगाई में अब आपको बोला जाएगा देशों देश के लिए आप अपने महंगाई की बात भूल नहीं सकते हो, और महंगाई आपके ऊपर थोपी जाएगी देशभक्ति के नाम पे, और आप कुछ नहीं करोगे, मीडिया आपको प्रोपोगंडा पे पूरा का पूरा डुबो देगा। जो कुछ थोड़े एक्सपेक्टेशन था मेरा यूट्यूब सोशल मीडिया से, वो भी लोग जाति पाति के नाम के ऊपर, कोई SC ST OBC इनके ऊपर उनका चल रहा है। मेन मुद्दे तुम्हारे भी है, तुम्हारे बच्चों को खाना, तुम्हारे बच्चों को भी दूध, तुम्हारे बच्चों को भी बेसिक नीड, वो है भूल गए हो आप, आपका ही अपना अपना चल रहा है OBC SC माइनॉरिटी और ये और वो। देश ही गुलाम होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, तो तुम किस जाति के लिए और किस रिजर्वेशन के लिए बात कर रहे हो? कुछ खरा नहीं है, चल रहा है देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई आ ही नहीं रहा है बात करने हमसे, कोई साथ क्या करें। पॉलिटिकल पार्टियां, आपको लग रहा है कि आप ये सही कर रहे हो, सही नहीं हो, बहुत गलत हो रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक खींचते हैं ये लोग तुम लोगों को, कहाँ तक तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, कहाँ तक तुम उनके बलि के बकरे बनते हो। जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।